प्रगति की एक नई श्रृंखला, एक नई गति हम लाए। ग्वालियर राजघराने के महाराजा और गुना लोकसभा सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद आज भारत की राजनीति में काफी बड़ा हो गया है, लेकिन उनकी पहली पसंद राजनीति नहीं थी। एक हादसे के बाद उन्हें राजनीति में आना पड़ा। वो दिन था 30 दिसंबर 2001। एक विमान हादसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की मौत हो गई और उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बेटे ज्योतिरादित्य भी राजनीति में कूद पड़े। सरकार एक किसानों की सरकार, हमने पारित किया था कि केवल श्रमिकों को नहीं लेकिन भूमिहीन व्यक्तियों को भी न्याय के रूप में देना पड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार की नीति है। 7 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हुए थे। तब सिंधिया की उम्र महज 30 साल थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचे। यहां सोनिया गांधी और कई वरिष्ठ नेताओं के बीच कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए और इसके बाद बेहद कम वक्त में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। अपने एक दशक से ज्यादा के सियासी सफर में ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के ऐसे गुर सीख चुके हैं कि एक बयान से तीन तीन नेताओं पर एक बार में निशाना साध लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को हुआ था। मुंबई में जन्मे ज्योतिरादित्य 5वीं क्लास तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में ही पढ़े। इसके बाद दून स्कूल से आगे की पढ़ाई की। इसके आगे वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। हार्वर्ड के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। 4.5 साल लिंच, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क और मॉर्गन स्टेनले में काम किया। बिजनेस और अर्थशास्त्र शुरू से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का पसंदीदा विषय रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के सबसे करीबी भी माने जाते हैं। ये रिश्ता इसीलिए भी खास है क्योंकि उनके पिता माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी से उम्र में 1 साल छोटे थे और ज्योतिरादित्य भी राहुल गांधी से 1 साल छोटे ही हैं। भारतीय राजनीति में कम ही ऐसे नेता हुए जो इतने कम वक्त में सत्ता के गलियारों में इतने ज्यादा छा गए। शायद यही वजह है कि सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।